द वेजेस ऑफ फियर, ये एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है, जिसका रन टाइम 1 घंटे 46 मिनट है। ये मूवी मैंने देख ली है, तो आइए बात करते हैं इस मूवी के कुछ अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं मेरे इस क्विक रिव्यू में। तो स्टोरी फोकस करती है रेगिस्तान के एक गाँव पर, जहाँ के एक कुएं के पास एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के गाँव में गैस फैलने लगती है। तो हालात को देखते हुए जो कंपनी वहाँ ड्रिलिंग करती है वो एक टीम हायर करती है, जिन्हें कुछ सामान लेकर उस कुएं के पास पहुंचना होता है, जिससे वो लीक होती हुई गैस को रोक सकें। पर रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रास्ते में उन्हें कई बुरे लोग मिलते हैं जो कि उन्हें रोकना चाहते हैं। क्या ये टीम उस गांव में टाइम रहते पहुंच पाएगी, जानने के लिए देखिए ये मूवी। तो आइए पहले बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट होती है। और दूसरी, इस मूवी का प्रोडक्शन और डायरेक्शन, इवन मूवी में जो येलो ट्यून यूज हुआ है वो आपको पसंद आएगा। मूवी का माइनस पॉइंट ये है कि इसकी स्टोरी नई नहीं है, हमने पहले भी इस टाइप की स्टोरी पर बनी हुई फिल्म एक्सपीरियंस की हुई है। और तो और, एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस भी बस डिसेंट ही है, ऐसा लग रहा था कि कोई भी एक्टर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहा था मूवी में। देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस मूवी पर अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आप ये मूवी देखना ही चाहते हैं तो फैमिली के साथ ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन है। मैं इस मूवी को 4/10 की रेटिंग देता हूँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू पर, हार्ट ऑफ द हंटर। नेटफ्लिक्स पर बहुत ही अच्छे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है, जिसका जॉनरा एक्शन थ्रिलर बेस है। तो आइए मेरे इस क्विक रिव्यू में जानते हैं कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो स्टोरी फोकस करती है एक एक्स असासिन पर, जिसे वापस बुलाया जाता है एक मिशन के लिए। मिशन ये होता है कि एक किडनैपिंग होती है, जिसे रिकवर करने के लिए, या यूं कहें कि जिस शख्स की किडनैपिंग हुई होती है उसे वापस सही सलामत लाने के लिए इसे हायर किया जाता है। देखिए, स्टोरी में खासा दम नहीं है, बट फिर भी मैंने ये मूवी एक्शन देखने के लिए ही देखी है, जो कि इस मूवी में बस एवरेज ही दिखाया गया है। मास ऑडियंस को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं आगे क्या होने वाला है, जो मूवी का सारा मजा किरकिरा कर देता है। प्रोडक्शन सिनेमाटोग्राफी डिसेंट है, मूवी का रन टाइम 1 घंटे 47 मिनट है, जो कि आपको बीच बीच में फील होने लगता है। मूवी का लीड एक्टर जूको, उसे अच्छे से डेवलप किया गया है, इवन उसकी वाइफ के किरदार में आपको वो डेप्थ देखने को मिलती है, आप इनसे इमोशनली भी कनेक्ट कर पाते हो। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग कमजोर लगी, एज अ ऑडियंस आप उनसे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। मूवी देखते टाइम आपको लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, जो इंटेंसिटी थ्रिलर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी वो इस मूवी में नहीं है। इस मूवी की राइटिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मूवी बस टाइम की बर्बादी है। मैं आपको ये मूवी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, इस मूवी को मैं 4/10 की रेटिंग दूंगा। बाकी आपने ये मूवी देख ली है या देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।